मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज मैं आपको कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ है बच्चों 11 और प्रकरण है बच्चों रहीम के दोहे भागे पढ़ाऊंगी। बच्चों रहीम दास जी के दोहे पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी। रहीम दास जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म बेटा 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। स्थान है बच्चों इनका जन्म स्थान है लाहौर और मूल नाम है इनका अब्दुल रहीम खान खाना और पिता है इनके बैरम खान और मृत्यु इनकी 1 अक्टूबर 1627 ईस्वी को हुई थी। तो बच्चों जो रहीम दास जी थे उन्होंने ये जो थे अकबर के समकालीन कवि थे और इनके पिता जो थे बच्चों बैरम खान थे। रहीम दास जी के पिता कौन थे? बैरम खान थे और ये जो थे बैरम खान वो अकबर के गुरु थे और जब बच्चों इनको मृत्यु का समय आया उससे पहले इन्होंने छोटे बच्चे रहीम दास जी को अकबर के पास सौंप दिया था और अकबर के जीने ही इनके अकबर ने ही इनकी क्या करा लालन पालन किया और उनको शिक्षा दीक्षा दी और उनके दरबार में ये उनके कवि बने और बच्चों ये पहले कवि मुसलमान कवि थे जिन्होंने की हिंदी में भी रचनाएं की हैं और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो बच्चों इन्होंने जो रहीम दास जी ने दोहे लिखे हैं उसमें उन्होंने जो है जीवन की सच्चाई का परिचय दिया है। जीवन में सुख दुख क्या है, सुख दुख के समय जो सच्चा मित्र होता है वो उसकी किस तरह से जांच परख होती है और हमको जीवन में किस तरह से दुख में सुख में समान रहना चाहिए तथा अच्छे बुरे की पहचान भी इन्होंने बताई और इन्होंने मतलब हमको जीवन की सच्चाइयों से दोहों के माध्यम से हमको अवगत कराया है। इनके दोहों के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो बच्चों अब आप इसमें कठिन वर्ड है वो देख लीजिए। संपत्ति धन दौलत सगे अपने बनत बन जाते हैं मीन मछली थोथे खोखले धरती भूमि। तो बच्चों अब आगे जो है इसमें मैंने आपको इनका जीवन परिचय बताया और वर्ड मीनिंग्स बताई है और उसके बाद बच्चों अब जो आगे है दोहे है उसका मैं जो आपको दोहे का सार है दोहे का भावार्थ है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।